साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश प्रयासी। बंगाल में चोरी को लेकर दो महिलाओं को निर्वस्त किया गया। इसके पूर्व मणिपुर में 19 जुलाई को दो महिलाओं को निर्वस्त कर गांव में घुमाने का वीडियो वायरल हुआ था। अब ऐसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल के मालदा में सामने आई है। यहां भीड़ ने दो महिलाओं की पिटाई की, फिर उन्हें अर्धनग्न कर दिया गया। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। यह घटना भी 19 जुलाई की है। इसका वीडियो 22 जुलाई शनिवार को सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाओं का एक समूह दो महिलाओं को घेरे हुए है, उनके बाल खींचकर चप्पलों से पिटाई की जा रही है। इसके बाद बुरी तरह से कपड़े फाड़ दिए गए। फिलहाल पुलिस की एक तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमित मालवीय के मुताबिक यह घटना मालदा के बामन गोला पुलिस स्टेशन के पकुआ हाट इलाके में हुई। दोनों पीड़ित महिलाएं आदिवासी हैं। मालवीय ने आरोप लगाया कि जब उनकी पिटाई हो रही थी और कपड़े उतारे जा रहे थे तो पुलिस वहां मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई थी। शुक्रवार 21 जुलाई को हुगली जिले से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव में हिंसा के दौरान भी एक महिला को निर्वस्त कर उसकी परेड निकाली गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं ने एक भाजपा उम्मीदवार के साथ यौन उत्पीड़न किया था। उस घटना का जिक्र करते हुए लॉकेट चटर्जी रोने भी लगी। उन्होंने कहा कि घटना हावड़ा जिले के दक्षिण पंचला इलाके में हुई थी। हालांकि इस मामले पर पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार उम्मीदवार हिमंत राय ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मतदान केंद्र पर महिला के साथ पहले मारपीट की, फिर कुछ लोगों ने साड़ी फाड़ी। महिला का आरोप है कि उसे नग्न होने के लिए मजबूर किया और सरेआम छेड़खानी की। इस तरीके की घटनाओं की सभ्य समाज में कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो या कोई अन्य स्टेट। हर व्यक्ति इस तरीके की घटनाओं की निंदा करता है, वजह चाहे जो भी हो। हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और इन्हें बढ़ावा न दिया जाए। धन्यवाद।